हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो साहब, अभी जो टेक्स्ट एनिमेशन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप किनेमास्टर में कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी इस तरह का टेक्स्ट एनिमेशन अपने चैनल इंट्रो के लिए या फिर अपने वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करने के लिए इसको यूज कर सकें। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पिक्सेल लैब ऐप ओपन करेंगे और टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। नाउ फॉन्ट के ऑप्शन में जाके आप जिस तरह का फॉन्ट अपने टेक्स्ट में रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मॉन्स्ट्रेट ब्लैक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ रिलेटिव पोजिशन के ऑप्शन में जाके इसका पोजिशन बिल्कुल मिडिल में कर लेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्वालिटी में अल्ट्रा चूज कर लेंगे। उसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब गाइज, उसके बाद किनेमास्टर ओपन करेंगे और फिर मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके किसी भी कलर का एक बैकग्राउंड यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। अब इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करके 6.3 सेकंड्स कर देंगे। नाउ लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो इमेज अभी हमने एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ इम्पोर्ट कर लेंगे। अब इसका ड्यूरेशन भी लास्ट तक एक्सटेंड कर देंगे और इसका साइज इस तरह से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। अब इन एनिमेशन में जाके यहाँ से क्लॉकवाइज एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे और इसका ड्यूरेशन 1 सेकंड ही रहने देंगे। उसके बाद ऑटो एनिमेशन के ऑप्शन में जाके यहाँ भी क्लॉकवाइज एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे और इसका ड्यूरेशन 0.6 सेकंड्स कर देंगे। एंड अब इस लेयर को डुप्लीकेट करके जितने लेटर्स आपके वर्ड में है उतने लेयर्स बना लेने हैं। जैसे इस वर्ड में 4 लेयर्स हैं तो मैं इसके 4 लेयर्स बना लूंगा। अगर आपके वर्ड में 5 लेयर्स होंगे तो आप 5 लेयर्स, या अगर 6 लेयर्स होंगे तो यहाँ से डुप्लीकेट करके 6 लेयर्स बना लेंगे। अब लेयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे पहले वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले वर्ड को क्रॉप कर लेंगे। तो मैं यहाँ टी को क्रॉप कर लेता हूँ। अब इसी तरह से दूसरा लेयर सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप के ऑप्शन में जाएंगे और दूसरा वर्ड जो यहाँ ई है उसको क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद इसे लेयर के इन एनिमेशन में जाएंगे और इसका ड्यूरेशन 1.2 सेकंड्स कर लेंगे, यानी पिछले वाले लेयर से 0.2 सेकंड्स ज़्यादा। अब आउट एनिमेशन में जाएंगे और इसका ड्यूरेशन 0.5 सेकंड्स कर लेंगे, यानी पिछले वाले लेयर से 0.1 सेकंड कम। उसी तरह से नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ सी को क्रॉप कर लेंगे, फिर इन एनिमेशन में जाके इसका ड्यूरेशन 1.4 सेकंड्स और आउट एनिमेशन में 0.4 सेकंड्स कर लेंगे। नाउ लास्ट के लेयर पे क्लिक करेंगे और एज को क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद इन एनिमेशन में जाके 1.6 सेकंड्स और ऑट एनिमेशन में 0.3 सेकंड्स का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ अगर आगे और भी लेयर्स हैं तो आपको इसी तरह से यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है जब तक सारे लेटर्स इंडिविजुअली क्रॉप ना हो जाएं। अब ये सब होने के बाद इसको एक बार प्ले करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। नाउ इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब फिर से किनेमास्टर में जाके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और मीडिया पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करके 7 सेकंड्स कर देंगे और फिर लेयर पे क्लिक करके जो वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ वीडियो का लेयर इंपोर्ट हो जाने के बाद स्टार्टिंग में यहाँ पे एक बहुत छोटे से पार्ट को इस तरह से ट्रिम कर देंगे और आप चाहें तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। नाउ लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओवरलेस के ऑप्शन में चले जाना है और ये वाला ओवरले आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके ऐप में ये वाला ओवरले नहीं मिलता तो आपको गेट मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ डेकोरेटिव के ऑप्शन में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाला ओवरले मिल जाएगा और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इस ओवरले को इम्पोर्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसका पोजिशन थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि ये टेक्स्ट एनिमेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए इस तरह से। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं तो हाँ, ये एनिमेशन के साथ ठीक से सिंक्रोनाइज हो गया है। नाउ यहाँ पे जो आपको दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है उसको यहाँ से ऐड कर लेंगे और फॉन्ट के ऑप्शन में जाके मैं ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो कोई और भी फॉन्ट जो आपको पसंद हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये हो जाने के बाद इसका पोजिशन यहाँ पे कर देंगे और फिर लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके वापस से ओवरलेस के ऑप्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ से आपको इन्फिनाइट ब्राइटनेस के ऑप्शन में जाके ये वाला ओवरले सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आपके ऐप में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो वापस से गेट मोर के ऑप्शन में जाएंगे और डेकोरेटिव के ऑप्शन में ही नीचे स्क्रॉल करेंगे
तो ये वाला ओवरले भी आपको मिल जाएगा और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इसको इस तरह से पोजीशन करेंगे ताकि ये जो ब्राइटनेस वाला पार्ट है ये इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। अब इसके लेयर का पोजीशन भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब जरा सा इसको आगे स्क्रॉल करते हैं तो ये जो ब्राइटनेस वाला पार्ट है जैसे ही यहाँ पे पहुंचे आपको वहीं पे इस टेक्स्ट के लेयर को पोजीशन कर देना है इस तरह से, और फिर इस टेक्स्ट के इन एनिमेशन में जाके वाइप राइट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसका ड्यूरेशन 0.2 सेकंड्स कर देंगे। उसके बाद ऑटो एनिमेशन के ऑप्शन पे जाके फेड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसका ड्यूरेशन 0.7 सेकंड्स कर देंगे। नाउ ये जो टेक्स्ट का एक्स्ट्रा लेयर है इसको यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। अब इस वाले ओवरले को कॉपी करेंगे और इसके लेयर को लास्ट में पोजीशन कर देंगे इस तरह से, ताकि लास्ट में इस टेक्स्ट का जो ऑटो एनिमेशन है उसके साथ ही सिंक्रोनाइज हो जाए। अब इस टेक्स्ट का कलर जो है वो आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसको येलो कर लेता हूँ। अब हमारा टेक्स्ट एनिमेशन लगभग रेडी हो गया है, अब सिर्फ इसमें साउंड इफेक्ट्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए ऑडियो पे क्लिक करेंगे एंड ये साउंड इफेक्ट दोनों ऐड कर लेंगे। अब इन साउंड इफेक्ट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इनके लेयर्स को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये हो जाने के बाद इस ऑडियो लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से डकिंग के ऑप्शन को ऑन कर देंगे और वॉल्यूम में जाके इसका वॉल्यूम 50% कर देंगे एंड उसके बाद इस ऑडियो लेयर को सेलेक्ट करके भी डकिंग का ऑप्शन ऑन कर देंगे और इसका वॉल्यूम भी 50% कर देंगे। नाउ अब इस वाले लेयर को डुप्लीकेट करके यहाँ पे पोजीशन कर देंगे। अब चाहे तो इसके बैकग्राउंड में आप जो वीडियो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस टेक्स्ट एनिमेशन वाले वीडियो पे क्लिक करके यहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से स्क्रीन का ब्लेंडिंग इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। नाउ लेयर के ऑप्शन में जाके यहाँ से एक वीडियो में ऐड कर दूंगा और फिर यहाँ पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक करूंगा और इसका लेयर सबसे पीछे कर दूंगा। नाउ इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो यहाँ से इसको ट्रिम कर लेंगे एंड अब ये टेक्स्ट एनिमेशन पूरी तरह से रेडी है, तो इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। नाउ ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब इसको एक्सपोर्ट करके आप अपने चैनल इंट्रो में या किसी वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए भी इस तरह का टेक्स्ट एनिमेशन यूज कर सकते हैं। तो अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।